हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं अब। और ये कीमोथेरेपी का फोर्थ साइकिल ले चुकी हूं और इसके जो रिएक्शन थे वो काफ़ी दिनों तक रहे थे, लेकिन अभी 4-5 दिन से तबीयत ठीक है और घर का काम वगैरह स्टार्ट कर दिया है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। तो कीमोथेरेपी की जो वीकनेस होती है वो टेम्परेरी होती है। तो यहाँ पर हम किचन में आ चुके हैं, घर का काम स्टार्ट कर दिया है, तो रोटी बना रहे हैं अभी हम। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सर के ऊपर दुपट्टा नहीं डाला है, तो ऐसे ही रहते हैं। तो रोटी कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ा सा आटा है, इसको फ्रिज में रख देंगे बचाकर। और यहाँ पर हम मसाला को भूंज रहे हैं। यहाँ पर हमने पनीर लिया है और फ्राई कर लिया है, मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं। और सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और उसके बाद मुझे फ्राई करने थे अपने लिए मखाना। तो ये मखाने का पैकेट है, इसमें से हाफ़ पैकेट को हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि किचन में अभी ज़्यादा देर तक खड़े खड़े काम नहीं कर पाती हूँ। तो जितनी भी थोड़ी सी ताकत है वो यहाँ पर किचन में यूज़ करने के बाद अभी हम रेस्ट करेंगे। और काम कंप्लीट हो चुका है किचन का और अभी पानी पी लेने के बाद वापस जाएंगे रूम में। तो पहले मैं सोच रही थी कि 4 साइकिल के बाद कीमोथेरेपी का ये बाकी के जो 2 साइकिल और रह गए वो नहीं लेंगे, 4 काफ़ी है। लेकिन अभी तबीयत ठीक है तो लग रहा कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो फिर से तैयारी शुरू की है टाटा हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ये फाइल है और हॉस्पिटल का कार्ड है जो कि ज़रूरी होता है हर बार। तो अभी तैयारी करना शुरू की है और 5th साइकिल के लिए फिर से जाएंगे टाटा हॉस्पिटल मुंबई, और उसके बाद फिर से घर आ जाएंगे, फिर से अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक मेरी स्कैन की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है ऑनलाइन, तो अभी पता नहीं कि कीमोथेरेपी के ये 4 साइकिल के बाद मेरा जो इन्फेक्शन था वो कितना कम हुआ है नहीं हुआ है, तो वो अपडेट आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है। तो ये जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पर सीटी स्कैन वगैरह होते हैं, वहाँ जाकर एक बार कंफर्म करेंगे कि हमारी रिपोर्ट तक 1 महीना होने वाला है और अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं है। तो तैयारी कर चुके हैं और फिर से पहुँचेंगे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल अपना 5th कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के लिए, और वो एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करेंगे। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचती रहे। और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिए। और हमेशा आप सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए भी दिल से दुआ करूँगी कि आप सभी लोग जल्दी ठीक हो जाएं, जल्दी आपकी रिकवरी हो जाए। और टाटा हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं वो जल्दी जल्दी अपने घर आ जाएँ, और उनकी जो फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट डिले हो रहा है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिल जाए और उनकी हर परेशानी दूर हो।